Hello friends, myself Prabhakar Jha. Today we will discuss on GDCA. आज हम लोग डिस्कस करेंगे GDCA प्रोग्राम के बारे में, गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव अकाउंट्स। ये होता क्या है? फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ये होता क्या है, और सेकंड इसकी कितने पेपर्स होते हैं और कौन कौन लोग एलिजिबल होते हैं। सो ये कोर्स किसके लिए है? तो ये कोर्स सबसे पहले तो जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं, या तो उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का, या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो वो ये एग्जाम दे सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी हाउसिंग सोसाइटीज होते हैं, आज कल हम लोग देखते हैं कि जहां भी देखिए वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, बिल्डिंग्स बनते जा रही है, तो वहां पे सोसाइटीज होंगे जहां लोग रहते हैं जिस बिल्डिंग में, वहां पे एक सोसाइटी मैनेजर की जरूरत होती है, दूसरा ऑडिटर की जरूरत होती है। जो ये सोसाइटी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं उनको एक ऑडिटर का जरूरत होता है। तो ये ऑडिटर कौन बन सकता है? तो ये ऑडिटर बन सकता है जो ये डिप्लोमा लिया हुआ है, गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव अकाउंट्स। ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एक सर्टिफिकेट देता है, और इसके जो है ना एग्जाम्स होते हैं, इस एग्जाम्स में 6 पेपर होता है, और ये पेपर आपको पास करने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। तो अब ये एग्जाम कभी होता है? तो ये एग्जाम हर साल में एक बार ही होता है, जैसे कि सीए सीएस सीएमए में कैसा होता है, 2 बार पेपर होता है। तो यहाँ पे इन्होंने एक बार ही एग्जाम लेते हैं, मई के महीने में होता है, और ये मोस्टली वीकेंड में ही होता है, जैसे कि 24, 25, 26 को ये एग्जाम होते हैं। 6 पेपर होता है, एक दिन में 2 पेपर। तो आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करें तो ये एग्जाम पास कर सकती हो। और दूसरा, इसका फीस बहुत कम है, 800 रुपए के आसपास, जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं उनको 800 रुपए के आसपास फीस होती है, तो वो एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कि बाकी बड़े कोर्सेज में क्या होता है कि ज्यादा पैसा लगता है, तो यहाँ पे जो गरीब आदमी है ग्रेजुएशन के बाद उनको जॉब नहीं मिलता है, तो यहाँ पे ये कोर्सेज करके वो अपना जॉब ले सकते हैं। जॉब कौन सा मिलेगा? तो सोसाइटी का, सोसाइटी मैनेजर का मिलेगा, दूसरा ऑडिटर का मिल सकता है। तो उस सोसाइटी का आप ऑडिट कर सकते हो, इंडिपेंडेंट ऑडिट कर सकते हो। अगर आपने सीए सीएस सीएमए नहीं भी किया है तो भी आप इस डिग्री के थ्रू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ऑडिटर बन सकते हो, और आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस मिलेगा। अब ये एलिजिबल कौन होते हैं? तो एलिजिबल जो है वो कोई भी ग्रेजुएट जिसका 50% मार्क्स हो ग्रेजुएशन में, एंड सेकेंड जो अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो उनके पास, किसी के पास अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है किसी सोसाइटी में काम किया हो अकाउंटेंट करके या फिर ऑडिटर करके, किसी ऑडिट फर्म में काम किया हो उसका एक्सपीरियंस हो, या फिर गवर्नमेंट कंपनी में 3 साल 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस हो। तो गवर्नमेंट में क्या होता है कि कोई कोई 12th के ऊपर भी एग्जाम करके क्लर्क के बेसिस में ज्वाइन कर लेते हैं। तो पहले होता था कि 10th 12th पे भी क्लर्क का पोस्ट होता था, अभी क्या है, अभी तो हर जगह ग्रेजुएशन कर दिया है, बट कुछ कुछ जगहों पे अभी भी 12th स्टैंडर्ड पे हो जाता है। तो अगर 12th भी किया है और किसी के पास एक्सपीरियंस है 5 ईयर का, 3 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे कंसिडर कराएगा। ग्रेजुएशन नहीं भी है तो वो भी एलिजिबल हो सकता है और एग्जाम दे सकता है। और ज्यादा डिटेल्स के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, आपको डिटेल्स नीचे लिंक में मिल जाएगा, और मैं इसका एग्जाम प्रिपरेशन भी करवाता हूँ,